Hi, good morning, good afternoon, good evening. Welcome in ICT class. My name is Bidyabhushan Thakur. Please subscribe the channel and like the videos. Thanks. आज हम जो प्रैक्टिकल करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू डेली सेल्स ऑफ राधे श्याम स्वीट्स. मतलब राधे श्याम नाम का स्वीट्स नाम का एक दुकान है जहाँ का डेली सेल्स जो होता है ना आइसक्रीम का, उसके बारे में हम एज अ केस स्टडी करेंगे उसका, और फिर उसका चार्ट्स को बनाएंगे और फिर उसके चार्ट के टाइप को चेंज करेंगे. ठीक है, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चार्ट को समझने के लिए कि चार्ट बनाते कैसे हैं और चार्ट को हम चार्ट को चेंज कैसे करते हैं. ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, डेटा एंट्री करेंगे हम स्टूडेंट सिलेक्शन फॉर कंपटीशन. ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं कि कोई भी, मान लो केस स्टडी करते हैं कि कोई भी टीचर है या कोई भी डिपार्टमेंट है, वो अपने बच्चों को कैसे किसी पर्टिकुलर चीज़ों के लिए सिलेक्ट करता है. तो उसके लिए क्या है, हज़ारों बच्चे होते हैं, उसमें से 5 को सिलेक्ट करना है, आखिर कैसे करेगा वो. तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स होते हैं, तो उसको मैं आपको सॉर्टिंग और फिल्टर सिखाऊंगा आपको. ठीक है, पिछली वीडियो की बात कर ले, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देखना. ठीक है, हमने पिछले वीडियो में जो डिस्कस किया था दैट इज़ स्प्रेडशीट के बारे में हमने बात की थी, डेटा एंट्री इन स्प्रेडशीट कैसे करते हैं उसकी बात की थी हमने. हमने चार्ट्स को समझा था कि चार्ट होता क्या है, चार्ट कितने टाइप के होते हैं, उसके बाद कंपोनेंट ऑफ चार्ट क्या होता है, और एक चार्ट करके मैंने दिखाया हुआ है पिछले वीडियो में कि चार्ट कैसे क्रिएट होता है. अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लो. ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है. मैंने लिखा हुआ है कि प्रैक्टिकल करेंगे आज हम. ठीक है ना, क्योंकि एक्सेल जो होता है ना, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को जो समझते हैं हम, उसमें अगर प्रैक्टिकल आपको नहीं आता है तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा. तो मुझे लगता है कि आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि आखिर कैसे काम करता है. तो बात करते हैं डेली सेल्स ऑफ राधे श्याम स्वीट्स की. तो देखो, यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि डेली सेल्स ऑफ राधे श्याम स्वीट्स, टेम्परेचर है क्या, जब लेस देन 15 टेम्परेचर होता है तो आइसक्रीम कम बिकती है. तो क्या लिखा हुआ है, सेल ऑफ आइसक्रीम सिर्फ 400 आइसक्रीम सेल होता है. ओके, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, जैसे 15-24 डिग्री जब टेम्परेचर होता है तो 900 आइसक्रीम बिकने लगते हैं डेली. जब 25-34 अगर टेम्परेचर होता है तो 1500 आइसक्रीम बिकने लगते हैं, और 35-44 तक जब होता है तो कितना होता है, 2500 आइसक्रीम बिकने लगते हैं. तो ये हमारा केस स्टडी है आज के इस स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में. ठीक है, आगे देखते हैं हम इसको कैसे काम कर पाएंगे. तो मैं आपको बता दूं कि इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसकी डेटा एंट्री करेंगे. किसमें, अपने एक्सेल सॉफ्टवेयर में. ठीक है, आप मोबाइल पर करते हो तो सेम जैसा मैंने यहाँ बना रखा है सेम आप बनाएंगे किस पर, गूगल सीट पर. अगर आपके पास कंप्यूटर है या लैपटॉप है तो आप उसको अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नाम का एक एप्लीकेशन होता है, सॉफ्टवेयर होता है, उस पर जाकर के बनाएंगे. देखते हैं आगे, प्रैक्टिकल की बात करेंगे हम. तो अगर आप देखो यहाँ मैंने क्या लिखा हुआ है, डेली सेल्स ऑफ राधे श्याम स्वीट्स मैंने यहाँ सबसे पहले लिख दिया, डेली सेल्स ऑफ राधे श्याम स्वीट्स. फिर मैंने लिखा यहाँ टेम्परेचर जैसा आपके उसमें था, टेम्परेचर लिखा. फिर हमने क्या किया, टेम्परेचर की एंट्री कर दी, लेस देन 15 डिग्री, 15-24, 25-34, 35-44. तो ये सब हमने कर दिया. ठीक है, तो ये हमने टेम्परेचर की एंट्री कर दी यहाँ से यहाँ तक. और ये मैंने क्या किया, सेल ऑफ आइसक्रीम इन RS है ना. तो ये आपके 400 आइसक्रीम बिके जब लेस देन 15, तो इसकी मैंने डेटा एंट्री कर दी जैसा मैंने उस पर देख. तो आप लोग भी प्रैक्टिकल करने के लिए क्या करना, ऐसा ही बना लेना. ठीक है, पहले कॉपी में लिख लेना और फिर क्या करना, उसको आप मोबाइल से अगर करना चाहते हो तो गूगल सीट डाउनलोड करके कर सकते हो. ठीक है, उसके बाद अब हम देखेंगे कि हम इसमें चार्ट्स को सीखने के लिए हम बात कर रहे हैं, चार्ट कैसे बनाएंगे. तो देखो, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, किसको, टेम्परेचर से लेकर के और सेल ऑफ आइसक्रीम के सारे इसको हम सिलेक्ट करेंगे. जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे, जो रोज एंड कॉलम्स हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ देखो इंसर्ट में जाते हैं. कहाँ जाएंगे, इंसर्ट पे जाते हैं. और जब इंसर्ट पे हम जाते हैं तो यू कैन सी कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, कॉलम चार्ट बनाना है, लाइन चार्ट बनाना है, पाई चार्ट बनाना है, बार चार्ट बनाना है, एरिया चार्ट बनाना है, सो मेनी टाइप ऑफ चार्ट्स वी हैव. नाउ हम क्या करते हैं, कॉलम चार्ट बनाते हैं, बड़ा सिंपल है, समझते हैं इसको. तो कॉलम चार्ट हम बनाएंगे. ठीक है, कॉलम चार्ट भी कई टाइप के होते हैं, तो आपको कौन सा कॉलम पसंद है, लेट्स से सिंपल तरीके से हम समझते हैं, इसको बनाते हैं. अब देखो हमारे पास क्या बन गया, एक हमारा चार्ट अपने आप से क्रिएट हो गया. कैसे क्रिएट हुआ, क्योंकि हमने जितना सेलेक्ट किया था उसके बेस पर. इसमें देखो नीचे वाला पार्ट क्या हो गया, टेम्परेचर वाला पार्ट हो गया पहला पार्ट, और सेकेंड वाला क्या हो गया, ये वाला, देखो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है.
ठीक है। तो देखो अभी हमें सिर्फ इसको देखने से, मान लो इसको हम छुपा देते हैं, हम नहीं देखते हैं मान लेते हैं, तो सिर्फ इसको देखने से ही आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। आखिर इसको आप समझ सकते हो कि ये सेल ऑफ आइसक्रीम हो रहा है, और जब लेस देन 15 डिग्री टेम्परेचर होता है तो क्या होता है, 400 के लगभग में, 500 से कम है ना, तो 400, और यहाँ अगर जाओगे तो आपको दिखेगा भी। फिर 15 to 24 जब है तो ये ऐसे होगा। तो ये चार्ट्स बनाना बड़ा आसान है। अब हम बात करते हैं कि हम चार्ट को चेंज कैसे करें। चार्ट बनाना तो सीख लिया हमने, बड़ा सिंपल है। अब देखो अभी तक तुम्हारे पास ये था, मैं चाहता हूँ कि नहीं हमारा लुक ऐसा हो। मान लो आपका मैनेजर कहता है कि नहीं मुझे ना पाई चार्ट में दिखाओ, तो कैसे करोगे? अब आप क्या करोगे, इस पर ही टच करोगे। किस पर? इस पर, मतलब मेन जहाँ हमने चार्ट बनाया था उस पर जाएंगे और यहाँ राइट क्लिक करेंगे। कहाँ क्या करेंगे, फिर से मैं बोल दूँ, राइट क्लिक करना है, सॉरी राइट क्लिक करेंगे। जब राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस आता है, यहाँ देखना ध्यान से पढ़ना, मैंने यहाँ क्या लिखा, चेंज चार्ट टाइप लिखा हुआ है इस पर पहले से, तो उस पर हमें टच करना है। क्या लिखा हुआ है, चेंज चार्ट टाइप, उसको टच करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ कि यार ये तो कॉलम चार्ट है, ये लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है। चलो पाई चार्ट में भी कई सारे टाइप है, देखो पाई चार्ट है ना, पाई चार्ट में हम क्या करते हैं, एक कोई सिलेक्ट कर लेते हैं जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, ओके करते हैं। अब देखो ये जो हमारा जो कॉलम चार्ट था, दैट इज कन्वर्टेड इन टू दी पाई चार्ट। समझना भी आसान है कि कलर से होता है, देखो ये हमारा 15 डिग्री टेम्परेचर जब होता है तब होता है, फिर आगे आगे धीरे धीरे बढ़ता चला गया टेम्परेचर, जैसे जैसे बढ़ा आइसक्रीम की बिक्री बढ़ती चली गई, ठीक है। तो हमने अभी क्या देखा, अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो हमने क्या किया, पहले एक डेटा एंट्री करी हमने अपने एक्सेल सॉफ्टवेयर में, अपने स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में ये डेटा एंट्री की। उसके बाद हमने क्या किया, हमने चार्ट बनाया, और पहले हमने कॉलम चार्ट बनाया, फिर कॉलम चार्ट को हमने क्या किया, चेंज किया इनटू दी पाई चार्ट, ठीक है। तो आपको चार्ट चेंज करना भी आ गया, आप डिफरेंट चार्ट में चेंज कर सकते हो, जस्ट मैंने एग्जाम्पल आपको दिखाया है। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरी प्रैक्टिकल की, ठीक है। आज हम दो प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि सिलेक्शन ऑफ ए स्टूडेंट फॉर कंपटीशन। सोचिए कि हमारे पास ना बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, हजारों स्टूडेंट्स हैं डिपार्टमेंट में, और डिपार्टमेंट सिर्फ 5 बच्चे को सिलेक्ट किया है। जैसे अभी देखोगे तो कोडेथॉन हमारे स्कूल में हुआ था, तो पूरे दिल्ली गवर्नमेंट में इतने सारे स्कूल्स हैं, उसमें हर कैटेगरी के बच्चे थे, तो कैसे पता करेंगे कि कौन बच्चा कैसा है नहीं है। तो परसेंटेज वगैरह सबसे सिलेक्शन किया है डिपार्टमेंट ने, और फिर उसको फाइनल लिस्ट करके भेजा। बहुत सारे बच्चे का नाम नहीं आ पाया, मैंने भेजा था नाम बट नहीं आ पाया। तो अगर हम बात करते हैं इसमें, तो प्रैक्टिकल सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर कंपटीशन, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डेटा एंट्री करेंगे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, सीट 1 पे मैंने काम किया, अब मैं क्या करता हूँ, सीट 2 पे काम कर लेता हूँ। तो मैं सबसे पहले जैसा इसमें लिखा हुआ है वैसा लिखते हैं, रोल नंबर, फिर क्या लिखेंगे, परसेंटेज, और भी कुछ लिख सकते हो। मैं तो सिंपल एग्जांपल आपको बता रहा हूँ जिससे आपको समझ में आया कि अभी हम दो टॉपिक को कवर करने वाले हैं। यहाँ दिख रहा होगा आपको, सॉर्ट एंड फिल्टर को समझेंगे, ठीक है ना। इसके लिए प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, सबसे पहले डेटा एंट्री करते हैं। अब रोल नंबर हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब देखो इसको ना हम क्या कर सकते हैं, जैसे रोल नंबर को हमें सबकी एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दो अगर है तो देखो यहाँ क्या करोगे आप, इसको मैं बाद में समझाऊंगा, इसको बोलते हैं फिल हैंडल टेक्निक। दो को सिलेक्ट करोगे और यहाँ नीचे करोगे ना तो इसको खींच देना, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास 20 स्टूडेंट है, और सिर्फ हमारे पास जो वैकेंसी है कंपटीशन में जाने का, उससे 5 लोगों को सिलेक्ट करना है, कैसे करेगा? तो देखो हम क्या करेंगे, इसमें डेटा एंट्री पहले करते हैं। मान लो किसी बच्चे का ना 40% आया फर्स्ट रोल नंबर का, उसके बाद 84% आया, उसके बाद 54% आया, उसके बाद 93% आया, उसके बाद 54% आया, उसके बाद 67% आया, उसके बाद 36% आया, 90% आया, 68% आया, 48% आया, 67% आया, 93% आया, 65% आया, 87% आया, 60% 65 आया, 30% आया, 60% आया। तो हम जस्ट डेटा एंट्री कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिकल करोगे तो ज़्यादा समझ आएगा आपको, ठीक है। हमने 20 स्टूडेंट्स का डेटा एंट्री कर दिया, ठीक है, रोल नंबर वाइज है। अब मैं जो सीखने वाला हूँ, क्या सीखने वाले हैं हम, ध्यान देना, सॉर्ट एंड फिल्टर सीखना है। सॉर्ट क्या होता है, सॉर्टिंग होता क्या है? सॉर्टिंग का मतलब होता है कि आप स्मॉलर टू बिगेस्ट जाते हो या बिगर टू स्मॉलर जाते हो, मतलब सॉर्टिंग दो होते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। यहाँ देखोगे आपके पूरे इस रिबन पर,
इसको रिबन बोलते हैं, इस पूरे रिबन पर देखोगे यहाँ शॉर्ट है। जैसे ही शॉर्ट में जाते हैं ना, तो देखो शॉर्ट में जब जैसे टच करोगे, यू विल सी क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट ए टू जेड। ए का मतलब क्या होता है, छोटा, और जेड का मतलब बड़ा। फिर शॉर्ट जेड टू ए, जेड का मतलब क्या होता है, बड़ा, और ए का मतलब छोटा। तो छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, जैसे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर आपने पढ़ा है ना, वही होता है। उसको हिंदी में भी कह सकते हो बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा, ठीक है ना। तो ये है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम इसको कैसे सॉर्ट करें। मतलब मैं चाहता हूँ कि जो बच्चा सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मतलब जो सबसे ज़्यादा नंबर लाया है, वो टॉप पे आ जाए। कैसे करें देखते हैं आगे। सॉर्ट करेंगे, ठीक है, और सॉर्ट करेंगे हम कैसे, कैसे करेंगे हम, तो ए टू जेड करेंगे। वेट, अब देखो, सॉरी, इसको सेलेक्ट करते हैं फिर से, और हम जाएंगे इस पर, कस्टम सॉर्ट पे जाएंगे। किस पे जाएंगे, कस्टम सॉर्ट पे। तो कस्टम सॉर्ट पे मैं चाहता हूँ कि रोल नंबर के अकॉर्डिंग सॉर्ट ना हो, क्योंकि रोल नंबर तो चलो है, कैसा सॉर्ट हो वो आ जाए परसेंटेज के बेस पर। परसेंटेज का मतलब क्या, जो सबसे बड़ा है। इस पर क्या है, दो कंडीशन पूछ रहे हैं यहाँ, वैल्यूज में स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। मैं चाहता हूँ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो, जो सब, क्योंकि पांच ही बच्चे को हमें सेलेक्ट करना है। हम क्या करते हैं, ओके करते हैं। अब देखो, रोल नंबर फोर को हमें पांच बच्चे सेलेक्ट करना है, तो ऊपर से पांच बच्चे को हम सेलेक्ट कर लेंगे। किसी भी कंपटीशन में ऐसे ही होता है, डिपार्टमेंट ऐसे ही सेलेक्ट करती है बच्चों को किसी भी उसके लिए। तो देखो कौन कौन से रोल नंबर पास हुए, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ, ठीक है। मैं हाईलाइट कर दिया मैंने कि ये फोर रोल नंबर 93%, 12 रोल नंबर 93%, 8 रोल नंबर 90%, 14 रोल नंबर 87%, 2 रोल नंबर 84%। तो हमने इसको क्या कर दिया, एज अ सिलेक्टेड कैंडिडेट मान लिया। यहाँ क्या करते हैं, वो ऐसे लिख दिया, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सिलेक्शन करता है, बाकी को हमने कोई टच नहीं किया, ठीक है ना। ऐसे ही कंपटीशन में जब भी कोई जॉब के लिए पेपर देने जाता है, तो ऐसे ही टेक्निक्स होते हैं। उसमें हो सकता है बहुत ज़्यादा नंबर्स होते हैं, बट मैंने आपको सिंपल तरीका बताया कि सॉर्टिंग होता क्या है, ठीक है, ये तरीका हो गया। अब बात करते हैं हम कि मान लेते हैं एक कंडीशन ऐसा आता है कि यार जिसका ना 90 नंबर है ना, हमें उसको देखना है कि कौन, कितने ऐसे बच्चे हैं जिसके 90 नंबर हैं, या ऐसे कितने बच्चे हैं जो 84 नंबर हैं। तो देखते हैं कैसे हम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, फिल्टर करने का तरीका मैं बता रहा हूं, ठीक है। क्या करेंगे, रोल नंबर, परसेंटेज, और फिर क्या करेंगे, यहां जाएंगे हम सॉर्ट एंड फिल्टर में, और फिल्टर करेंगे। फिल्टर का मतलब होता है कि आपको इस पूरे रोज एंड कॉलम में से, पूरे सीट में से कुछ डेटा को सिलेक्ट, कुछ डेटा को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो फिल्टर करेंगे, तो जब फिल्टर करते हैं हम, तो देखो क्या आ गया, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट आ गया होगा। देखो रोल नंबर, अब मुझे सिर्फ 8 रोल नंबर को पता करना है, मैं सबको नहीं देखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ रोल नंबर 8 को मैं चेक करना चाहता हूँ। तो क्या करेंगे, यहाँ देखो सिर्फ 8 रोल नंबर आया। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं सिर्फ इसको हटा देंगे, मैं चाहता हूँ सिर्फ रोल नंबर 3 को देखूँ। देखो नहीं, 3 नॉट सेलेक्टेड। मैं चाहता हूँ, अब इसको फिर हटा देते हैं हम सारा, ओके करके, मैं चाहता हूँ परसेंटेज पे आना। अब देखो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ 54% कितने लोगों का आया हुआ है वो बताओ। इसको हटा देंगे और हम क्या करेंगे, सिर्फ 54 पे टच करेंगे, मान लेते हैं। तो देखो 54 लाने वाले 3 रोल नंबर और 5 रोल नंबर है, ठीक है ना। तो ये होता है फिल्टर। तो हमने क्या डिस्कस किया, एक हमने सॉर्टिंग सीखा और एक हमने क्या सीखा, फिल्टर सीखा। तो आप भी इसका प्रैक्टिकल कर सकते हो। आगे डिस्कस करते हैं कि हम पार्ट 3 में क्या डिस्कस करने वाला है, जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आने वाला है उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, हमने ये सब कवर किया था। अभी हम फिल हैंडल सीखेंगे। फिल हैंडल क्या होता है, को 1 से लेकर के 2 से लेकर मान लो 50 तक है, तो क्या टाइप करेंगे, टाइप हम नहीं करेंगे, हम फिल हैंडल के थ्रू क्या करते हैं, 1 से 50 तक सेकेंड में ही हम लिख लेंगे। फिर फॉर्मूला एंटर करना सीखेंगे, चेक एंड रिमूव डुप्लीकेट, सपोज करो आपके पास डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स है, उसको कैसे हटाएंगे। हम रिबन कीबोर्ड का शॉर्टकट समझेंगे, उसके बाद हम जो शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर्स में, अपने एक्सेल सीट में, अपने स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में, हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियोज़।